अगर आप एक गार्डनर हैं तो आपको पता ही होगा कि प्लांट के साथ टाइम स्पेंड करना, उनकी केयर करना कितना ज़्यादा मेंटली रिलीफ देता है। आप गार्डनर हो या ना हो, फ्लावरिंग प्लांट सभी को बहुत ज़्यादा पसंद है। और मैं आज आपसे ऐसे प्लांट के बारे में बात करने वाला हूँ जिनके फ्लावर्स हमें मेंटली सुकून तो देते ही देते हैं, उसके साथ ही साथ उन प्लांट्स में बहुत ज़्यादा मेडिसिनल गुण भी होते हैं, औषधीय गुण भी होते हैं। और मैं इस लिस्ट में 5 ऐसे प्लांट सिलेक्ट करने वाला हूँ जो कि आसानी से हर जगह दिख जाता है, लगभग सारे गार्डनर्स के पास आपको ये प्लांट देखने को मिल जाएगा। जिनके पास नहीं भी होगा, उनके नज़दीकी नर्सरी में ये प्लांट देखने को मिल जाएगा, तो वो वहाँ से परचेज करके इन प्लांट को अपने घर में ला सकते हैं। इन प्लांट्स के फ्लावर्स जितने ज़्यादा खूबसूरत हैं उतने ही ज़्यादा इसमें मेडिसिनल गुड़ भी हैं। इस लिस्ट में मैं पहले नंबर पर जिस प्लांट की बात करने वाला हूँ वो है सदाबहार का प्लांट। आजकल की भाग दौड़ भरी जिंदगी हो या फिर गलत खान पान की आदत, डायबिटीज़ रोग बहुत ज़्यादा कॉमन हो गया है। लगभग हर परिवार में डायबिटीज़ के रोगी देखने को मिल जाते हैं। अगर आपके भी घर में कोई डायबिटीज़ का रोगी है तो उसको दिन भर में 3 से 4 पत्तियाँ सदाबहार की आप खिलाएं, तो जो एकाएक स्पाइक आता है, एकाएक ब्लड शुगर में बहुत तेज़ी से नंबर बढ़ता है, वो प्रॉब्लम आपको देखने को नहीं मिलेगी। इसके साथ ही साथ अगर आप इनके फ्लावर्स को 4 से 5 फ्लावर्स को तोड़ लें और एक ग्लास पानी में जो है उसको धीरे धीरे उबाल लें, उबालने के बाद उसे खाली पेट पी लें, इससे आपके डायबिटीज़ में गिरावट भी देखने को मिलेगी। इस प्लांट में काफ़ी अच्छी मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट्स और फ्लेवोनॉइड्स भी पाए जाते हैं। इसके पत्तियों और फूलों के प्रयोग से जो हमारी ब्रेन सेल्स होती हैं उनमें प्रॉपर ब्लड सर्कुलेशन होता है, जिससे हमारी जो ब्रेन सेल्स होती हैं वो जल्दी बूढ़ी नहीं होती हैं, जिससे हमारी याददाश्त अच्छी बनी रहती है। इस प्लांट के कुछ हाइब्रिड वेराइटियाँ भी आती हैं जो कि डिफरेंट कलर ऑप्शंस के साथ आती हैं, लेकिन उनमें इतने ज़्यादा औषधीय गुण नहीं होते हैं। औषधीय गुण आपको वाइट कलर और पिंक कलर के जो देसी वेराइटियाँ आती हैं उन्हीं में देखने को मिलेंगी। आजकल ग्रीन टी का यूज़ बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, लोग ग्रीन टी दबा के यूज़ कर रहे हैं वेट लॉस के लिए, तमाम फ़ायदों के लिए जो है ग्रीन टी का यूज़ कर रहे हैं। कंपनियां भी ढेर सारे विज्ञापन दिखा करके ब्रेन वॉश करके हमें ना जाने कौन सा कूड़ा पिला रही है। कोई नहीं जानता कि उनमें क्या सच्चाई है, कितनी ज़्यादा उसमें प्योरिटी है। लोग ग्रीन टी के महंगे डिब्बे परचेज करके ले आते हैं, जबकि उनके घर के आसपास ही ये बटरफ्लाई पी यानी कि अपराजिता का प्लांट पहले से ही मौजूद है, जिनके फ्लावर्स में बहुत ज़्यादा एंटीऑक्सीडेंट्स होता है। और आपको हैरानी इस बात पे होगी कि इंडिया से ये प्लांट के फ्लावर्स जो है सुखा कर विदेशों में बेचे जाते हैं ब्लू टी के नाम से, जबकि हमारे घर के आसपास ये आसानी से मिल जाता है। आपके पास अगर थोड़ा सा भी स्पेस है आप बड़े आराम से इस प्लांट की वाइन को अपने घर में ग्रो कर सकते हैं। इसके फ्लावर्स में एंटीऑक्सीडेंट्स और फ्लेवोनॉइड्स बहुत ज़्यादा मात्रा में भरे हुए होते हैं, तो इससे बनी हुई चाय को अगर आप रेगुलर खाली पेट यूज़ करते हैं तो वही काम करेगा, उससे ज़्यादा अच्छा काम करेगा जो आपकी ग्रीन टी काम करती है। तो अगर आप वेट लॉस के लिए ग्रीन टी का यूज़ कर रहे हैं तो उसे आप तुरंत बंद कर दीजिए, उसके स्थान पे आप ब्लू टी का भी यूज़ कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ अगर आप हेयर फॉल की समस्या से जूझ रहे हैं तब भी आप इस अपराजिता के फूल की चाय बना करके पिए, क्योंकि इसके प्रयोग से हमारे सर में जो है ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता है, जिसके कारण से नए बाल उगना शुरू हो जाते हैं। इसके साथ ही साथ अगर आप डायबिटीज के पेशेंट हैं या फिर आपकी आईसाइट वीक है तब भी आप इसका प्रयोग करके फ़ायदा ले सकते हैं। और अगर आप इसके फ्लावर से बनी हुई चाय का प्रयोग खाने से 10-15 मिनट पहले कर लेते हैं तब आपकी पाचन क्रिया जो है काफ़ी अच्छी हो जाती है। इस प्लांट को आप सीड्स के थ्रू भी ग्रो कर सकते हैं। इस प्लांट में बहुत सारी वेराइटियाँ देखने को मिलती हैं, लेकिन जो फ़ायदे वाली वेराइटी है वो ये ब्लू कलर जो है वो फ़ायदा करती है। तो अगर आपके गार्डन में ये प्लांट पहले से अवेलेबल है तो उसका आप यूज़ करना शुरू कर दें, और अगर आपके पास नहीं अवेलेबल तो नर्सरी में जाकर के इस प्लांट को आप वहाँ से मांग सकते हैं। हिबिस्कस यानी कि गुड़हल के प्लांट में भी औषधीय गुण बहुत ज़्यादा होते हैं। गुड़हल में ढेर सारे कलर ऑप्शंस होते हैं, उनमें से जो सफ़ेद और लाल रंग जो है देसी वाला जो होता है उनमें औषधीय गुण बहुत ज़्यादा होते हैं। इनके पत्तों को, इनके फूलों को, इनकी जड़ों को औषधीय रूप में यूज़ किया जा सकता है। बहुत सारी कंपनियां हैं जो ये दावा करती हैं कि उनके तेल में, उनके पाउडर में, उनके ब्यूटी आइटम्स में जो है हिबिस्कस के फ्लावर्स का यूज़ किया गया है। अगर आप इनके पत्तों को पीस करके, पत्तों को और फ्लावर्स को पीस करके अपने बालों पे लगाते हैं और लगभग 1 से 2 घंटे बाद उसे धुल लेते हैं तो ये एक नेचुरल कंडीशनर की तरह काम करता है, उनकी ग्रोथ अच्छी होती है। अगर आपके बालों में रूसी है तब आप हिबिस्कस के जो फ्लावर्स होते हैं, फूल होते हैं, उनको, उनका रस निकाल लें, उनके रस के बराबर मात्रा में आप तिल का तेल ले लें, उसे हल्का सा गुनगुना कर लें, उसे आप लगा लें अपने सर में, रूसी की समस्या आपकी दूर हो जाएगी। साथ ही साथ इनके पत्तों और फूलों के प्रयोग से आप नींद ना आने की समस्या, एनीमिया जैसी
परेशानियों से भी निजात पा सकते हैं। अगर आपको अपनी स्मरण शक्ति यानी कि अपनी याददाश्त को बढ़ाना है, तब आप गुड़हल के फूल और पत्तों को बराबर मात्रा में ले लें, उसके बाद इन्हें सुखा लें, सुखा करके इनका पाउडर बना लें और उस पाउडर को एक चम्मच एक गिलास दूध के साथ लें, आपकी स्मरण शक्ति बढ़ जाएगी। अगर आपको मुंह में छाले की समस्या है, तो आप गुड़हल की जड़ को ले लें, जड़ को एक इंच के 3-4 टुकड़े कर लें, उन टुकड़ों को बारी बारी जो है दिन भर में आप उसे चबा करके थूक दें, 2-3 दिन में आपके छाले की समस्या दूर हो जाएगी। ये हरसिंगार यानी कि पारिजात का पौधा है, इसके आध्यात्मिक महत्व बहुत ज़्यादा है। कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण ने इस पौधे को स्वर्ग से पृथ्वी पे मानव समाज की भलाई के लिए ले आया था। इस पौधे के पत्ते से लेकर के जड़ तक औषधीय गुणों से भरे हुए होते हैं। अगर आप इनके पत्तों से आप काढ़ा या रस निकाल कर पीते हैं, तब आपको बुखार में, खांसी में जो है काफ़ी लाभ मिलता है। इसके काढ़े का प्रयोग अर्थराइटिस के रोगी भी कर सकते हैं और लाभ पा सकते हैं। इसके फूलों का प्रयोग आप पेट या श्वास संबंधी रोगों के लिए कर सकते हैं। डायबिटीज़ के रोगियों के लिए भी इसके फ्लावर्स का एक्सट्रैक्ट बहुत ज़्यादा कारगर माना जाता है। इम्यूनिटी बूस्टर के रूप में भी आप इनके फूलों का प्रयोग कर सकते हैं। अगर आपके बालों में डैंड्रफ है, तब भी आप इसके फूलों का प्रयोग कर सकते हैं। इसके सूखे हुए फूल मार्केट में महंगे दामों पर बेचे जाते हैं। यह पौधा सर्दियों में लगभग नवंबर के आसपास जो है फ्लावरिंग करता है, उस टाइम आप इनके फूलों को कलेक्ट कर लें। काफ़ी ज़्यादा नंबर्स में ये फ्लावरिंग करता है, उस टाइम इनके आप फूलों को कलेक्ट करके सुखा करके पैक करके अपने पास रख सकते हैं और जब भी आपको इसकी ज़रूरत हो आप यूज़ कर सकते हैं। बाकी आप इनके पत्तों को, इनकी छाल को, इनकी जड़ों को जो है पूरे साल भर यूज़ कर सकते हैं। इसके फूलों से बहुत ही भीनी भीनी सी खुशबू भी निकलती है, जो आपके घर के आसपास का वातावरण बहुत ही ज़्यादा शुद्ध कर देती है। वैसे तो अगर आप इसे ज़मीन में लगाते हैं तो काफ़ी बड़े साइज का पेड़ बन जाता है, लेकिन इसे आप गमले में भी उगा सकते हैं। सुदर्शन का पौधा है, इसमें वाइट कलर की बहुत ही खुशबूदार फ्लावर्स आते हैं। मेरे यहाँ पे बहुत टाइम से इस पौधे की पत्तियों की डिमांड रहती है, बहुत से लोग मेरे यहाँ पे इसके पत्ते मांगने आते हैं, क्योंकि अगर किसी के कान में दर्द है तो इस पौधे के रस को निकाल करके आप उसके कान में डालते हैं तो काफ़ी जल्दी से आराम मिलता है। वो कान दर्द चाहे दांत दर्द की वजह से हो या फिर ठंड लगने की वजह से हो, बस 1-2 बूंद आप उसके कान में डाल दें, उसके बाद उसके कान का दर्द गायब हो जाएगा। जोड़ों के दर्द में इसके कंद को पीस करके, जिसकी जड़ होती है प्याज की तरह इसकी जड़ होती है, उसकी जड़ को पीस करके आप जो है अगर किसी के जोड़ों के दर्द पे लगा देते हैं तो उसके जोड़ों के दर्द में आराम मिलता है। इसके साथ ही साथ अगर किसी को फोड़ा है या फिर पाइल्स हैं, तब भी इसके कंद को पीस के फोड़े या पाइल्स पे लगा देते हैं तो आराम मिलता है। बहुत ही आसानी से ये पौधा पूरे भारतवर्ष में देखा जा सकता है। आप इनको इनके कंद से या फिर साइड में निकलने वाले प्लांट से या फिर इनकी सीड से ग्रो कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो मैं इसका पार्ट 2 भी ले आऊँगा और आपके साथ शेयर करूँगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है फ्रेंड्स, प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट में आपको ये वीडियो कैसा लगा है मुझे ज़रूर बताएं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिससे आने वाले वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। फिर मिलते हैं फ्रेंड्स किसी नए वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।